हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सामान्य कोच में रिजर्वेशन टिकट बंद कर आम जन को दी जाए राहत। सामान्य कोच में रिजर्वेशन की अवधि तक सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में लगाए जाए 4 अतिरिक्त जनरल कोच। मारवाड़ जंक्शन 21 मार्च विगत 11 मार्च से रेल मंत्रालय द्वारा उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में लगभग 97 एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में सामान्य कोच में जनरल टिकट की सुविधा प्रारंभ की गई थी। श्री साई दर्शन सेवा संस्थान के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि इस सुविधा के तहत मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से होकर सिर्फ अपसाइड के 20 रेलगाड़ियों में सामान्य कोच में जनरल टिकट की सुविधा प्रारंभ की गई है, जबकि डाउनसाइड की एक भी रेलगाड़ी में जनरल कोच में यह सुविधा प्रारंभ नहीं की गई है, जिसकी वजह से रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जून माह तक रिजर्वेशन होने से नहीं मिल रहा है सामान्य कोच का लाभ। मीणा ने बताया कि विश्वस्त सूत्रों की जानकारी के अनुसार सामान्य कोच में जून माह तक रिजर्वेशन की स्थिति होने की वजह से सभी रेलगाड़ियों में जनरल टिकट का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इधर यह स्थिति भी देखने को मिल रही है कि कुछ रेलगाड़ियों में सामान्य कोच में जनरल टिकट की सुविधा 11 मार्च से प्रारंभ होने के बाद भी यह स्थिति बनी हुई है कि अभी भी रेलवे द्वारा सामान्य कोच में रिजर्वेशन बंद नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सामान्य कोच का लाभ जनरल टिकट के रूप में पूर्ण रूप से रेल यात्रियों को नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए जिन रेलगाड़ियों में 11 मार्च से सुविधा दी गई है उन सामान्य कोच में रिजर्वेशन बंद की जाए। रिजर्वेशन होने की अवधि तक एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में लगाया जाए अतिरिक्त सामान्य कोच। देवेंद्र सिंह मीणा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व रेल मंत्रालय को यह सुझाव दिया है कि यदि रेलवे विभाग में 30 जून तक एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के सामान्य कोच में रिजर्वेशन की बुकिंग कर रखी है, तब तक मार्च से लेकर 30 जून तक भारत देश की सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में 2 सामान्य कोच रेलगाड़ी के डीजल के पीछे एवं 2 सामान्य कोच गार्ड के कोच से पहले अतिरिक्त रूप में लगाए जाए, जिससे कि सामान्य कोच व जनरल टिकट का लाभ आसानी से मिल सके। रिजर्वेशन स्थिति समाप्त होने पर 1 जुलाई से संचालित हो यथावत सामान्य कोच। इधर मीणा का कहना है कि सामान्य कोच में जून माह तक के लिए रिजर्वेशन हुए कोच की स्थिति पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में सुझाव के बाद लाए जाने वाले अतिरिक्त सामान्य कोचों को हटाकर पूर्व संचालित सामान्य कोच जैसी स्थिति के रूप में प्रत्येक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 1 जुलाई से संचालित कर दिया जाए। इधर मीणा का कहना है कि सामान्य कोच में जून माह तक के लिए रिजर्वेशन हुए कोच की स्थिति पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में सुझाव के बाद लगाए जाने वाले अतिरिक्त सामान्य कोचों को हटाकर पूर्व संचालित सामान्य कोच जैसी स्थिति के रूप में प्रत्येक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 1 जुलाई से संचालित कर दिया जाए। जागरूक टीवी के लिए मारवाड़ से खास रिपोर्ट।